हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के की आटे से बहुत ही आसान तरीके से बिना बेले रोटी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम मक्के की आटा, एक छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ, प्याज का हरा पत्ता इसे भी बारीक काट लेंगे, थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन इसे भी बारीक काट लिए हैं, बारीक कटा हरा धनिया, घी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। अब हम आटा गूंथ लेंगे। अब इसमें हम जो प्याज काटे हैं इसे मिक्स कर लेंगे, बारीक कटा प्याज। हरा प्याज यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना हरा प्याज का भी पराठा बहुत टेस्टी बनता है। अब हम सब मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया भी ढेर सारा डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अब हम इसका एकदम सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। इसे बेलना नहीं है तो इतना सॉफ्ट तैयार करेंगे कि तवा पे हाथ से इसको हम फैला सकें। इस तरह का आटा हम तैयार कर लेंगे। आटा को हम इस तरीके से मसलते हुए गूंथ लेंगे। इसे एकदम सॉफ्ट रखना है, इस तरीके से सॉफ्ट रखेंगे, इतना हम इस तरीके से गूंथ लेंगे और इसे 5 मिनट रेस्ट पे हम आटा को छोड़ देंगे। आटा 5 मिनट रखे हो गया है, आटा एकदम सेट हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसका लोई तैयार करेंगे और रोटी बनाएंगे। गेहूं का आटा थोड़ा सा ले लेंगे या मक्का का आटा भी ले सकते हैं आप। इस तरीके से लोई कर लेंगे। तवा हमारा पहले से गर्म हो गया है, इसे हम लो टू मीडियम आंच में रखेंगे और पहले घी लगा लेंगे। अब हथेली से हम जितना इसे फैला सकते हैं फैला लेंगे। रोटी को हम इस तरीके से हथेली से फैला लेंगे और इसे तवा पे डाल देंगे। अब हम इसे हल्का हल्का पानी के हाथ से हल्का सा पानी लगा लेंगे हथेली में और इसे तरीके से फैला देंगे। बहुत टेस्टी पराठा बनता है इस तरीके से, एक बार जरूर बनाएं और जरूर खाएं। अब इसे हम ऊपर सिकने तक छोड़ देंगे। ऊपर से रोटी हल्का हल्का सिक गया है, अब इसमें हम घी लगा देंगे। घी पूरा फैला देंगे अच्छी तरह से। इसे बहुत सावधानी से पलटेंगे, इस तरीके से पलटेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। पराठा हमारा सिक गया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। रोटी हम साग के साथ सर्व कर रहे हैं। ये रोटी खाने में इतना टेस्टी होता है कि आप इसे बिना साग बिना अचार का भी खा सकते हैं।